जिया खान केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट करेगी सूरज पंचोली की सुनवाई। सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ मामला। दिवंगत बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जिया खान के कथित सुसाइड मामले में आज एक बड़ा मोड़ आया है। इस मामले की अब जिया खान के बॉयफ्रेंड और अभिनेता सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। अब इस मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए मामले की सुनवाई को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया गया है। ये केस बीते 8 साल में 17 न्यायालय में चल रहा था। सीबीआई कोर्ट अब 8 साल से पेंडिंग एक्टर जिया खान की डेथ केस की सुनवाई करेगी। इस मामले में एक्टर के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसके बाद 17 न्यायालय ने ये मामला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया है। इस बीच एक्टर जिया खान के वकील ने 17 न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि इससे उनके मुवक्किल को राहत मिलेगी। सूरज पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, माननीय 17 न्यायालय की ओर से लिया गया फैसला इस केस को सीबीआई की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का कदम मेरे मुवक्किल सूरज पंचोली के लिए बड़ी राहत की बात है। हम मुकदमे की शुरुआत के बाद से ही इस मामले में तेजी लाने और 6 महीने के अंदर मामले को उनकी मैरिज के आधार पर पूरा करने के लिए अपील कर रहे हैं। हमारी अपीलों की सुनवाई हुई। सुनवाई की कार्यवाही में देरी होने के बाद हमने मामले में तेजी लाने और 6 महीने के भीतर इसे समाप्त करने के लिए माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक रीट याचिका दायर की थी। वकील ने कहा कि अब ये मामला सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा है, जो कानून के मुताबिक बेहद सही प्रक्रिया है। सूरज पंचोली के वकील के मुताबिक अब ये केस जल्दी से जल्दी अपने कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।